तो कैसे आप लोग, मैं आपका हवान फिर से आया आपके सामने एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज मैं जो गाना आपके सामने लेके आया हूँ उसका नाम है हथियार चाहिए हो। ठीक है, तो ये गाना किसका है? टुनटुन यादव जी का, और इसमें उनका साथ दिया खुशी कक्कर। खुशी कक्कर भी आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है। और हथियार से याद आया कि मुझे एक गाना सुना था मैंने टुनटुन यादव का, जिसका नाम था प्रशासन। तो वो काफी अच्छा गाना था। ये रंगदारी टाइप का गाना अच्छा बनाते हैं, सैड या फिर प्यार वाला बनाते हैं तो इन पे सूट नहीं करता, जहां तक मुझे लगता है। तो इन पे रंगदारी टाइप का गाना काफी ज्यादा पसंद आता है मुझे। तो ये गाना भी रंगदारी टाइप का ही नाम पढ़ के मुझे लग रहा है कि हथियार चाहिए। तो हथियार तो भाई जो प्यार मोहब्बत करता है उसे चाहिए नहीं होता है, हथियार चाहिए होता है जो लड़ाई करता है, जो मतलब ताकतवर होता है, जो पॉलिटिक्स में होता है। इसलिए तो इस गाने का जो राइटर है वो है किशन कन्हैया जी, और म्यूजिक दी है आर्या शर्मा। अधिकतर अधिकतर खेसारी लाल और टुनटुन यादव के गाने में आर्या शर्मा ही म्यूजिक देते हैं। ठीक है, तो अब ये गाना सुनते हैं कि ये गाना कैसा है। तो बिना वक्त के बाद चलिए करते हैं इस गाने का रिएक्शन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाकर कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो करें काउंट डाउन, तो चलिए करते हैं काउंट डाउन। तो 5 2 3 गो, लेट्स गो बेबी। अरे तो खिलौना वाला आज क्या है, लड़की कह रही है कौन है लड़की? अरे पापा जी तो यार बड़े मम्मी प्यारा जी, तोहर से जान हो बड़े खाती शादी। तब तो ठीक है, सुनो करो। अरे पापा जी तो यार बड़े लव सॉन्ग ही है, मुझे लगा लगदा वाला सॉन्ग है। दिमाग में बैठा लो, हमके हथियार चाहिए ना, तो जयमाल पे हम आईबे ना करे। ठीक है भाई, सोचो इस गाने का अब पुराना हो गया है कि मुझे हीरो होंडा चाहिए तिलक में, या फिर मुझे पैसे चाहिए तिलक में, या फिर मुझे जमीन चाहिए। अब तो यही आ गया भाई, एगो थार चाहिए हो, एगो कार चाहिए हो, गुंडागर्दी करे खातिर हथियार चाहिए हो। देख रहे हो बिहार कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस आया है बिहार में भाई।
टुनटुन यादव का गाना था, मुझे लगा था ये लव सॉन्ग नहीं होगा, पर ये था लव ही सॉन्ग जिसमें एक लव मैरिज चल रहा था, पर इसे गुंडे टाइप को बनाया गया था कि लड़का गुंडा था पर लड़की प्यार में थी, लड़की करना चाहती थी शादी पर लड़का को चाहिए था हथियार। ठीक है, वो उस टाइप का गाना हो गया कि लड़के जो एक गाना नहीं था कि खब्बी सीट पे वो बंदूक रख दा, एक पंजाबी सॉन्ग है। ठीक है, उसमें लड़की है ना, लड़की से लड़के का शादी होने वाला बात रहता है, तो लड़की अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी मैं कहाँ बैठूं, उसके साथ घूमने कैसे जाऊं, उसके गाड़ी पे कैसे बैठूं, वो तो अपने बगल वाली सीट पे दो नाली हथियार रखता है या फिर बंदूक रहता है वो, तो मैं कहाँ बैठूं। पर लड़का उससे प्यार करता था, वो लड़का बंदूक उठा के पीछे वाली सीट पे फेंक देता है और लड़की को आगे बैठाता है। तो मैं ये देखा तो मुझे उस गाने का याद आ गया, तो काफी ज्यादा अच्छा बनाया है गाना टुनटुन यादव ने। ठीक है, और भाई किशन कन्हैया जी काफी अच्छा लिरिक्स लिखे हैं और म्यूजिक तो काफी अच्छा दिया है आर्या शर्मा जी ने। खुशी कक्कड़ का भी वाइब काफी अच्छा था, और मुझे भाई रानी जी को देख के लग ही नहीं रहा था कि रानी जी हैं। ठीक है, काफी ज्यादा चेंजेस यार, काफी ज्यादा चेंजेस, इंसान पैसा कमाता है तो उसमें चेंजेस आने ही लगता है, तो वो भी काफी ज्यादा पैसा छाप रही है, काफी ज्यादा पैसा छाप रही है, सारे बिहार का पैसा मतलब कि वो छाप रही है क्योंकि इनका वीडियो सभी लोग देखते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा मुझे गाना। तो आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको गाना पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या पसंद नहीं आया, टुनटुन यादव पसंद नहीं आया, खुशी कक्कड़ पसंद नहीं आया, या फिर रानी जी पसंद नहीं आया, फिर लिरिक्स वॉइस वोकल म्यूजिक आखिर आपको क्या पसंद नहीं आया इस गाने में, मुझे आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। तो अब गाने को करते हैं साइड, अगर आपको किसी और भी गाने का रिएक्शन रिव्यू या फिर ब्रेकडाउन चाहिए तब कमेंट में गाने का नाम और साथ में आर्टिस्ट का नाम ड्रॉप करना मत भूलना, अगर भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई वादा नहीं, आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आकर बता दो कि आपको किस गाने पे रिएक्शन चाहिए, किस गाने पे रिव्यू चाहिए, किस गाने पे ब्रेकडाउन चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाने में दिक्कत हो रहा है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट मेरे पेजेस पे आ जाओ। ठीक है, पर आप भूल जाते हो तो आप पूछो क्या भूल जाता हूँ मैं, गाने का नाम डालते हो तो आर्टिस्ट का नाम भूल जाते हो, आर्टिस्ट का नाम डालते हो तो गाने का नाम भूल जाते हो, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ में लिखो ताकि मुझे गाना ढूंढने में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हर बार मुझे कन्फ्यूजन हो जाता था। आप पूछो कैसा कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन मुझे ये हो जाता है कि आप जब आर्टिस्ट का नाम लिखते हो तो उतने बहुत सारा गाना गाया है तो मैं उसका किस गाने पर रिएक्शन करूँ, इस बात का कन्फ्यूजन होता है। अगर आप सिर्फ गाने का नाम ड्रॉप करते हो तो जो अच्छा गाना है वो तो मिल जाता है, जो फेमस गाना है वो मिल जाता है, पर कोई कोई गाना ऐसा भी है कि सेम नाम का बहुत सारा गाना है तो उसे ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप दोनों मर्ज करके भेजो गाने का और आर्टिस्ट का नाम साथ में लिख के भेजो। ठीक है, तो भाई मुझे आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो जितना ज्यादा हो सके मुझे प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। तो आप मुझे प्यार दोगे कैसे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे इतना इससे ही बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा सा प्यार मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बरसा देना, तो आपको तो पता ही है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप किसी भी वीडियो पे जाओ क्लिक करो और डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पे आ जाओगे। ठीक है, तो अब बताओ भाई कि मेरा वीडियो शुरू से अंत तक आपको कैसा लगा, मेरा कॉन्टेंट कैसा लगा, अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, अगर पसंद ना आया, कहीं पर दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बहुत ज्यादा दिल से माफी मांगता हूँ। तो आप एक काम भी कर देना, अगर आपको खराब लगा हो तो आप सजेस्ट कर दो कि मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए वीडियो में और क्या क्या नई नई चीजें लाना चाहिए, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो आप कमेंट करना, मुझ पर प्यार बरसाना मत भूलना, तो आशा करता हूँ कि आप सब काफी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।